और अभी आपको बताएं कि सियालकोट में सीआईए पुलिस की कार्रवाई, जाली सोना फरोख्त करने वाले गिरोह के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 किलो जाली सोना भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जाली सोना करोड़ों रुपए में बेचा जाना था। मुलजिमान मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए लोगों को फंसा कर ये जाली सोना फरोख्त करते थे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन मलिक से। मुबीन बताइएगा, मजीद क्या बताया जा रहा है इन मुलजिमान के बारे में? देखिए, ये मुलजमान जो है ये इंटरनेट और मोबाइल फोन के जरिए गरीब और सादा लोग जो अफराद होते थे उनको जो है वो जानते में लाकर उनको असली सोना जो है वो दिखाकर इतमाद में लेते थे। तो जो ही लोग इनके इतमाद में आते थे तो ये लोग उनको फिर उसके बाद जो है वो सस्ते दामों जो है वो जाली सोना फरोख्त कर देते थे। तो सीआईए पुलिस ने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो इन मुलजमान को पहले तो ट्रेस किया है, उसके बाद इस ग्रोह के जो है वो एक रुकन को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तकरीबन 2 किलो जो है वो जाली सोने के सिक्के जो है वो बरामद कर लिया। तो इस सिलसिले में डीएसपी सीआईए जुल्फकार विक जो है उन्होंने बताया कि इस मुनज्जम ग्रोह का जो है वो हमने सुराग लगाया है और मुल्क भर में जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा ग्रोह था जो लोगों को सारी उम्र की जमा पूंजी जो है उनकी वो छीन लेता था। आपका मुबीन मलिक, आपने अपडेट किया।